लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इस लेक्चर सीरीज में हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स को एंड कर लिया है। हमने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इन तीनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर किया है। अगर आप वीडियो में नए हो और इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो या लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को समझना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। या हम कह सकते हैं ज्वाइंट टॉर्ट सीजन और इंडिपेंडेंट टॉर्ट सीजन। टॉर्ट सीजन मींस बेसिकली द रॉन्ग डूअर और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ज्वाइंट लाइबिलिटी भी हो सकती है और सेवरल लाइबिलिटी, या इसे हम कह सकते हैं इंडिविजुअल लाइबिलिटी। तो देयर मे बी टू काइंड्स ऑफ लाइबिलिटी अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन केस देयर इज मोर देन वन टॉर्ट फीजर। एक से ज्यादा टॉर्ट फीजर है या एक से ज्यादा रॉन्ग डूअर है तो दीज आर वॉट, ये है डिफेंडेंट। एक से अधिक डिफेंडेंट के केस में इनकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज्वाइंट होगी। और इन्हें कहा जाएगा ज्वाइंट टॉर्ट प्रिजन। इन केस देयर इज वन रॉन्ग डूअर और वन टॉर्ट प्रिजन then that tort feasor will be called as independent tort feasor, और वहां पे केवल उसी की liability होगी तो that liability will be called as individual liability या several liability। तो कब एक से ज्यादा tort feasors या wrong doer के cases में joint liability उत्पन्न होगी, राइट? आइए समझते हैं। तो बेसिकली देयर मे बी वन रॉन्ग डूअर और ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन्स और देयर मे बी ग्रुप ऑफ मैनी टॉर्ट फीजर्स, राइट? और ये जो रॉन्ग करेंगे दैट रॉन्ग इज ऑफ सिविल इन नेचर, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट में हम जिस रॉन्ग की बात करते हैं वो है सिविल रॉन्ग। अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट वी ओनली कंसिडर सिविल रॉन्ग एंड नॉट क्रिमिनल रॉन्ग, राइट? तो अगर एक टॉर्ट फीजर है या एक से ज्यादा टॉर्ट फीजर्स हैं, रॉन्ग डूअर हैं, जो किस नेचर का रॉन्ग कर रहे हैं, सिविल नेचर का रॉन्ग कर रहे हैं, जिसके दूसरे पर्सन्स के प्राइवेट लीगल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तो दे आर लाइबल टू पे कंपनसेशन। नाउ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर क्या होता है, राइट? तो व्हेन द एक्ट ऑफ टू और मोर पर्सन्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर में क्या है कि एक या एक से अधिक टॉर्ट फीजर्स हैं और जो टॉर्ट फीजर हैं, सपोज देयर इज टू टॉर्ट फीजर और टू रॉन्ग डूअर और ये दोनों पर्सन
जो एक्ट कर रहे हैं, देयर एक्ट इज इंडिपेंडेंट, राइट, इनका जो एक्ट है इंडिपेंडेंट है, जिसके वजह से एक सिंगल डैमेज हो रहा है, रिजल्टिंग सिंगल डैमेज इन केस देयर इज टू टॉट फीजर्स और मोर देन टू टॉट फीजर्स, और वो जो एक्ट कर रहे हैं वो एक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी उन एक्ट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस है, देयर इंडिपेंडेंट एक्ट रिजल्टिंग इनटू सिंगल डैमेज और सिंगल कॉन्सिक्वेंस। तो दोनों टॉर्ट फीजर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंटली लाइबल हैं, दोनों टॉर्ट फीजर्स क्या हैं, सेवरल लाइबल हैं, इंडिविजुअली लाइबल हैं, सेवरली लाइबल हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ए एंड बी, ए इधर से फुल स्पीड में अपने कार को चलाता हुआ आ रहा है, बी इधर से फुल स्पीड में अपने कार को चलाता हुआ आ रहा है, राइट, और बीच में एक पर्सन जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा होता है, क्योंकि इन दोनों का जो स्पीड लिमिट था वो ज्यादा था, तो आपस में इन दोनों कार की टक्कर हो जाती है और बीच में ये जो पर्सन था ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो दोनों का जो एक्ट है क्या है, इंडिपेंडेंट है, सेवरल है, इसलिए इन दोनों की जो लाइबिलिटी है क्या है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी है, इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी है, दे आर सेवरली लाइबल, राइट। एक केस लॉ है कोर्श करके, KOURSK, इसमें इंडिपेंडेंट नेग्लिजेंस या इंडिपेंडेंट रॉन्ग, इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी को समझाया गया है, ड्यू टू इंडिपेंडेंट नेग्लिजेंस ऑफ टू शिप्स दे कोलाइडेड विद वन अनदर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेम वन ऑफ देम रैन इनटू एंड सैंक अ थर्ड वेसल। तो कह रहा है कि इस केस में क्या था, दो इंडिपेंडेंट शिप थे, राइट, इन दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है जिसके वजह से एक शिप दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाती है और एक दूसरा जो शिप था उसे जोरदार टक्कर मारती है, ये जो शिप था वो डूब जाता है। तो इट वॉज हेल्ड दैट कि ये जो दो शिप थे इनकी जो लाइबिलिटी है वो ज्वाइंट नहीं है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी है, इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी है, सेवरल लाइबिलिटी है, राइट। नाउ तो अगर हम सेवरल लाइबिलिटी के एसेंशियल एलिमेंट्स को देखें तो पहला है टू और मोर देन टू रॉन्ग डूअर, देयर एक्शंस आर इंडिपेंडेंट रिजल्टिंग सिंगल डैमेज, ठीक है, तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। नाउ जॉइंट टॉर्ट फीजर क्या है या जॉइंट लाइबिलिटी क्या है, joint liability means that there is more than one defendant for plaintiff's injury or damage. In joint tort, each defendant is fully responsible for entire number of damages. So joint tort feasors ke case mein ek se adhik defendant hote hain aur kyunki wo kisi act ko jointly kar rahe hote hain isliye सभी टॉर्ट फीजर्स क्या होते हैं, सभी डिफेंडेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइबल होते हैं फॉर द डैमेज, फॉर द इंजरी। फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर एंड नर्स बीइंग जॉइंटली लाइबल फॉर पेशेंट्स रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो डॉक्टर और पेशेंट और नर्स, राइट, they are jointly liable for wrong medical treatment of patient,
तो ये ज्वाइंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है. नाउ इफ फर्स्ट डिफेंडेंट इज अनएबल टू कॉम्पनसेट और डाइज द अदर पार्टी हैज टू पे फुल अमाउंट ऑफ डैमेज. तो किसी रीजन की वजह से क्योंकि लाइबिलिटी ज्वाइंट लाइबिलिटी है तो जो बर्डन है वो सभी डिफेंडेंट्स के ऊपर बराबर है. इन केस वन डिफेंडेंट इज नॉट लाइबल और इज नॉट एबल टू पे द कॉम्पनसेशन द एंटायर बर्डन विल शिफ्ट ओवर अदर डिफेंडेंट. ठीक है, ये है ज्वाइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो ए और बी दो पर्सन्स हैं, दोनों का जो इंटेंशन था वाज टू रॉब अ बैंक. दोनों एक वैन से आते हैं और बैंक में एंटर करते हैं. ए जो था वो साइलेंटली विथ हैविंग गन इन हिज हैंड, अपने हाथ में गन लिए दरवाजे पे खड़ा हो जाता है बैंक के. और बी जो है क्या करता है, बैंक में डाका डाल लेता है. तो यहाँ पे जो पूरा एक्ट था वो भले ही बी ने किया लेकिन जो पार्टिसिपेशन था वो ए का भी था. तो लाइबिलिटी क्या है, दोनों की है. देयर इज जॉइंट लाइबिलिटी और दोनों क्या है, इस ऑफेंस में क्रिमिनल है. अब ऐसे पर्सन्स जिनके बीच एक सर्टेन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उनके बीच की जो लाइबिलिटी होती है वो ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड एजेंट, मास्टर एंड हिज सर्वेंट, पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म. इफ एन एजेंट डज अ रॉन्गफुल एक्ट इन स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल कैन बी मेड लाइबल अलॉन्ग विथ एजेंट एज ज्वाइंट टॉर्ट फीजर. क्या कह रहा है कि अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो एजेंट की लाइबिलिटी के साथ साथ प्रिंसिपल की भी लाइबिलिटी होगी. ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म अगर पार्टनर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो जो लाइबिलिटी होगी वो उसके साथ साथ अदर पार्टनर्स की भी होगी. और इस केस में ज्वाइंट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा. द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज पार्टनरशिप फॉर्म में जो एग्जिस्टेंस होता है बिजनेस का वो अलग नहीं होता, राइट. और क्योंकि देयर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स तो हर एक पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट के लिए सभी पार्टनर्स क्या हैं, बराबर लाइबल हैं. और यही केस, यही ज्वाइंट लाइबिलिटी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में एप्लीकेबल है, मास्टर एंड सर्वेंट के केस में एप्लीकेबल है और पार्टनर्स के केसेस में एप्लीकेबल है. तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी विच अराइजेस बिकॉज ऑफ ज्वाइंट टॉर्ट फीजर्स और इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर्स. तो आई होप कि ज्वाइंट लाइबिलिटी और सेवरल लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आप ज्वाइंट लाइबिलिटी में किसी केस को रेफर करना चाहते हो तो आप ब्रुक वर्सेस बूल का केस रेफर कर सकते हो. इस केस में बेसिकली ए और बी एंटर करते हैं जेड के प्रीमाइस में इन सर्च फॉर एस्केप ऑफ अ गैस, किसी गैस को चुराने के लिए ए और बी जी के प्रीमाइस में एंटर करते हैं. तो यहां पे जो डैमेज हुआ जी के प्रीमाइस में दोनों के वजह से हुआ, केवल ए के एक्ट के वजह से उस गैस में एक्सप्लोजन हो जाता है लेकिन जो लाइबिलिटी होती है वो दोनों की मानी जाती है क्योंकि देयर वॉज कॉमन इंटेंशन, देयर वॉज इक्वल पार्टिसिपेशन, राइट. दिस वॉज द केस and this was the concept of joint and several liability. तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.